नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। और मैं हूँ अभी गैंगटॉक जाने के रास्ते में और काफी सुंदर सा नजारा दिख रहा होगा आपको। आ चुके हैं अब हम गणेशटॉक और जा रहे हैं। तो 1 किलोमीटर अब रह गया नाथुला पास, नाथुला दर्रा। और फाइनली वी आर मेड टू नाथुला और हम पहुंचने वाले हैं नाथुला दर्रा। और एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर, वाइजर पे पूरा पानी आ रहा है अजीब सा। सो डे वन इन गैंगटॉक और अभी हम लोग घूम रहे हैं एमजी रोड में शाम के वक्त। तो पहुंच चुके हैं अभी हम लोग नाथुला पास। ये देखिए पीछे नाथुला 14,140 feet अबव सी लेवल। अभी अपन चलते हैं यहाँ से बाबा मंदिर। क्या आप अगर यहाँ आएंगे ना एक अलग सा वाइब फील होगा, आपका धुआं खड़ा हो जाएगा। तो लाइफ में एक बार जरूर आए बाबा हरभजन सिंह टेम्पल पर पांव रखना चाहिए। ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास के पास सीना दान कर उसका लगभग 13,000 एल्टीट्यूड है अब सी लेवल। और यहाँ आए देखें यहाँ का यहाँ के जो देशभक्ति गीत है ना अल्टीमेट। हमलावर दीवार से टकरा कर वापस जाते हैं जो 1962 में हुई, वही 1967 और वही 1971। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया कि यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़। लोग निकल गए हैं गैंगटॉक के लिए पूर्णिया से और अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग है इसीलिए हनुमान चालीसा भी बज रहा है और लगभग सुबह के 6:15 हो रहे हैं अभी। और गैंगटॉक यहाँ से लगभग 285 किलोमीटर है लेकिन समय 7 घंटा लगता है क्योंकि हाई टेरेन है, थोड़ा घाट्स वाला एरिया है उधर जाकर सिलीगुड़ी के बाद। तो अभी सुबह सुबह ही निकले हैं, चलते हैं और सफर का मजा लेते हैं और साथ में आपको भी मिलेगा सफर का मजा और पूरा डिटेल कैसे जाना है। और इस वीडियो में पूरा गैंगटॉक शहर घूमने का और ईस्ट सिक्किम घूमने का एक सटीक आइटनरी मिलेगा आपको। कम बजट में होटल का भी रिव्यू दूंगा जो हमने बुक किया और उसका जो रूम टूर है वो भी कराऊंगा, सारा कुछ होगा इस वीडियो में। तो पूरे अंत तक देखें, गैंगटॉक शहर का भी देखें कहाँ कहाँ घूमने का। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल रोहित बिट्टू ब्लॉग्स में और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब रोहित बिट्टू ब्लॉग। तो पहुंच चुके हैं हम गैंगटॉक और अब होटल हमने जीपीएस में डाल रखा है, बस होटल ही जा रहे हैं। देख सकते हैं गैंगटॉक 3 नाथुला 55, ये सारा गैंगटॉक का ही मार्केट है। जो लोग भी गैंगटॉक आ चुके हैं उन्हें भली बात ही देख के पता चल रहा होगा। देख तू किधर से जीपीएस बता रहा है। सो पैकिंग फॉर गैंगटॉक और काफी समय से वेटेड था ये ट्रिप और वो बड़ा बैग है वहाँ का। ये एक बड़ा बैग और ये सूटकेस, टैंक बैग, कैमरास वगैरह सारा पैक कर रहा हूँ। और अब करने के बाद फिर कल सुबह निकलना है कार से ही, पहले पूर्णिया, पूर्णिया से फिर गैंगटॉक। तो देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र और इस सीरीज़ को भी पूरी अंत तक देखें आप। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोहित बिट्टू ब्लॉग्स। नए ब्लॉग में स्वागत है आपका और मैं हूँ अभी गैंगटॉक जाने के रास्ते में और काफी सुंदर सा नजारा दिख रहा होगा आपको। ये चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ पे ऊपर आने में थोड़ा थक सा गया हूँ, ज्यादा नहीं पर फिर भी हल्का। और ये पायल है
और ये देखिए क्या मस्त सीन है इधर, गाड़ी अपना उधर नीचे, पता नहीं वीडियो में दिख रहा हो या ना। हाँ दिख रहा है ये, और पारसनाथ हिल्स के पास ही हूँ अभी, और एकदम हिल टॉप पे मस्त व्यू है, एकदम लाजवाब। Amazing scene. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like a. तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अब सेवॉक सिलीगुड़ी के आगे, और बहुत ही घने जंगलों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है ये बेसिकली। बहुत ही घना जंगल है। 11 मिनट वक्त हो चुका है, लगभग 4 घंटे में हम यहाँ पे 3.5 से 4 घंटे में पहुँच गए। और पहला पहाड़ सामने दिखने लग गया। तो आ चुका है अपन द खाना, ये मैगी सूपी नूडल्स टाइप का, ये आलू पराठा और अचार के साथ। खाने में मजा बहुत ही आ रहा है, बहुत आराम से जा रहे हैं हम लोग, खाना वाना खाते खाते फोटो वोटो खिंचाते खिंचाते, इसीलिए सुबह जल्दी निकले थे आज। अब हम रैंको बॉर्डर यानी कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। इसके बाद जो है सिक्किम स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे अभी एंट्रेंस से एक गेट बना हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद हम एंट्री ले लेंगे सिक्किम में, और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वीडियो में डिटेल्ड आपको मिल जाएगा। ऐसे अभी आप ताज़ा ताज़ा देख ले क्या क्या यहाँ जरूरत होता है, क्या क्या पूछी जाती है बातें। और बस हम 1 किलोमीटर के लगभग दूर है सिक्किम बॉर्डर से, जाम सा कुछ दिख रहा है इधर में नहीं, ट्रक दो क्लैश कर रहे हैं इसलिए बैक कर रहा है ट्रक को। पहले से लग रहा सारा कुछ चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ बैरिकेडिंग तो दिख रहा है, यहाँ नया चेक पोस्ट आ गया है। वेलकम टू सिक्किम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्किम पुलिस नागरिक सुरक्षा एवं सेवा मा, व्हाट सेवा मा। पहले से बहुत चेंज हो गया है। तो पहुंच चुके हैं हम गैंगटॉक, और अब होटल हमने जीपीएस में डाल रखा है, बस होटल ही जा रहे हो, देख सकते हैं गैंगटॉक 3 नाथुला 55। ये सारा गैंगटॉक का ही मार्केट है, जो लोग भी गैंगटॉक आ चुके हैं उन्हें भली भांति देख के पता चल रहा होगा। देख तू किधर से जीपीएस बता रहा है, अभी वैसे ही सीधे 1.7 किलोमीटर पे राइट है, 60 मीटर पे यू टर्न दिखा रहा है। तो पहुंच चुके हैं हम अब अपने होटल पे, यही हमारा होटल यश्री सिक्किम ब्लॉसम, काफ़ी मस्त है। रूम का भी टूर करवाऊंगा आपको, और ये मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क्ड है, अभी देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त होटल, चेक इन करने के बाद वापस मैं नीचे आया क्योंकि लगेज को पहले रखना ज़रूरी था, इसलिए सारा लगेज डाल दिया हूँ। और अभी ये मेरी गाड़ी पार्क्ड है यहाँ पे, देख सकते हैं। और ये टैरिफ गो आई बीबो से बुक किया था मैंने, इसे लगभग 2000 रुपये पर डे का पड़ा मेरे को ये कॉस्ट। और प्रीमियम रूम है, 3 कैटेगरी में रूम है यहाँ पे, 4 कैटेगरी में, एक है डीलक्स, डीलक्स से ऊपर प्रीमियम, उससे पर शायद सूट है, तो 3 तरह के हैं। वो सारा टैरिफ मैं मेंशन कर दूंगा और होटल का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। आप चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू।
एक बार पहले बाहर से देख। चलते हैं अब अंदर। तो काफी जबरदस्त होटल है और काफी अच्छे रेट में मुझे ये डील मिल गया, तो मैंने तुरंत ही बुक कर दिया। मैं पहले जब भी गैंगटॉक आया था तो एडवांस बुकिंग करके नहीं। ये अब उनका रूम नंबर 405। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर का आपको दिखाते हैं व्यू। ये है बालकनी, अजीब सा। तो ये है रूम, ये वॉशरूम। वॉशरूम में क्या क्या हेयर ड्रायर है, ये मिरर है, ये बड़ा सा मिरर है और साथ में ये नहाने का एरिया अलग सा बना हुआ। और इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ से आप इसको फोल्ड कर दें तो ये ट्रांसपेरेंट वॉशरूम बन जाता है। बेडरूम भी यहाँ से दिखता है। तो ये है ऐसा वॉशरूम यहाँ का। और यहाँ ये रूम है, रूम का और लाइट ऑन करो ना, नहीं हो रहा है ना, इसलिए तो हम उसको यही बोलने वाले थे, लाइट्स ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, इतना ही लाइट होगा। तो ये है रूम अपना और रूम के बाहर का व्यू, पर्दा हटाना। तो ये तो हो गया बेड, काफी मस्त। और इसके बाद सबसे मेन पार्ट जो यहाँ का है, ये होटल का है, ये का ये व्यू जबरदस्त लग रहा है। कहाँ आ गए, जन्नत है यार। ऐसा देखिए क्या व्यू है रूम से। यहाँ का जो ये व्यू है इस रूम से, यही इस रूम की खासियत है। और ये है प्रीमियम क्लास